सर्दी शुरू होती ही लोग गर्म चादरों और गर्म मलबूसात की तरफ राग़िब होते हैं, जिसमें मशहूर इस्लामपुर के हाथ से बनी गर्म चादर शामिल है। और मुकामी लोगों के साथ साथ सयाह भी सर्दी से बचने के लिए गर्म ऊनी चादरों का बहुत शौक से पहनावे का हिस्सा बना रहे हैं। मौसम ठंडा हो गया है, इसी वजह से हम ये नायाब फैब्रिक से इसमें आया है। स्वात में इस्लामपुर का चादर मशहूर है, इसलिए हम वही इस्लामपुर का चादर खरीदने के लिए इधर आए। इसका और ये इस्लामपुर के चादर जो है ना, ये सयाह लोग और मकामी लोग यहाँ पे आते हैं और बहुत पसंद करते हैं इसको। स्वात भर में सर्दी की आमद आमद है, गर्म मलबूसात के इस्तेमाल में इजाफा हो रहा है, जिसमें खासन हाथ से बनी हुई ऊनी चादरें ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, जिसके लिए मिंगौरा शहर से कुछ फासले पर वाक़ इस्लामपुर गांव में हाथ से बनी हुई ऊनी चादरें दुनिया भर में मशहूर हैं। इन चादरों को खूबसूरती और पायदारी के बायस मशीन चादरों पर फोकियत हासिल है। हर साल नए नए डिज़ाइनों और दिलकश रंगों से सजी ये शालें सयाहों की तवज्जो भी अपनी जानिब मबजूल कराती है। सर्दी शुरू होती ही दस्तकारी और हाथ से बनी हुई गर्म चादर की मांग में बेहद इजाफा हो जाता है। अब्दुल्ला शिरीन, केबल टीवी, कांजू, स्वात।